नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 3, जो बात कर रहा है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। इसमें आती है सबसे पहले सेक्शन 9 में जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। सबसे पहले क्या ड्यूटी है, पार्टनर आर बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। सेकेंड है टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो 3 जो है उसकी जनरल ड्यूटीज हैं। फर्स्ट है ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, के सबके एडवांटेज के लिए उसने काम करना है। सेकंड है जस्ट एंड फेथफुल, के एक दूसरे की तरफ उन्होंने फेथफुल रहना है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है जो वो बेस्ड क्या है, वो फेथ के ऊपर ही बेस्ड होती है। थर्ड आता है इसमें कि टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन है फर्म के बारे में वो उन्होंने एक दूसरे के साथ ट्रू वाली इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी है, ट्रू इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अकाउंट्स जितने भी हैं वो ट्रूली उन्होंने बताने हैं एक दूसरे को, चाहे वो पार्टनर्स को बता दें चाहे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बता दें। ठीक है, तो 3 ड्यूटीज होगी उनकी जनरल वाली। तो ये स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं उनकी, तो ये मतलब के फॉलो करनी ही करनी है, इनमें वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक्ट में ही प्रोवाइड की गई है। उसके बाद आती है इनकी नेक्स्ट सेक्शन 10, इसमें क्या बताया गया है, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। तो इसमें आपने याद रखना है कि यहां पे वर्ड यूज किया गया है बाय फ्रॉड, तो सिर्फ जो इंडेमनिफाई करना है वो किसके लिए करना है, अगर कोई फ्रॉड किया गया है। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हरियाणा जुडिशरी में 2015 में पूछा गया था, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ये इंडेमनिफाई फॉर लॉस सेक्शन 10 मार्क करके आए थे, बट इसका क्या आना था, बाय फ्रॉड वाला स्पेसिफिक आंसर आना था कि ये सिर्फ बाय फ्रॉड वाले के साथ ही डील करता है सेक्शन 10 है जो। एवरी पार्टनर शेल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो कहते हैं इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, अगर पार्टनर ने कोई भी फ्रॉड किया है तो उसको अपने फ्रॉड के लिए अगर कोई लॉस हो गया है फर्म को तो वो क्या करेगा, इंडेमनिफाई करेगा टू द फर्म। इसका सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, इसकी वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड वर्ड आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 11, इसमें दिया गया डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो कहते जो उनकी बाकी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो कैसे डिटर्मिन करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो डिटर्मिन कर सकते हैं। जो 9 वाला सेक्शन है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ भी चेंज नहीं कर सकते, वो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है उनको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। बट 11 में जो दिया गया, 11 में बताया गया कि वो अपनी जो राइट्स एंड ड्यूटीज है उनको चेंज कर सकते हैं विद डिटर्मिन कर सकते हैं विद कॉन्ट्रैक्ट। Subject to the provisions of this act, the mutual rights and duties of partners of a firm may be determined. तो यहाँ पे word use किया गया है may be determined. तो वो कैसे कर सकते हैं, may be determined by a contract between the partners and such contract may be express or implied by a course of dealing. तो वो अपने rights and duties को contract के साथ क्या कर सकते हैं, determine कर सकते हैं, और ये जो contract है वो express भी हो सकता है और implied भी हो सकता है। Next इसमें बताया है such contract may be varied by consent of all the partners। अगर कहते हैं कि जो contract उन्होंने कर लिया है उसमें कुछ changes करनी है तो वो कैसे करेंगे, विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एनी न्यू वर्ड है यहाँ पे, क्या कौन सा वर्ड है, ऑल द पार्टनर्स वर्ड यूज किया हुआ है। एंड सच कंसेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो जो उनकी कंसेंट है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है बट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स जरूरी है। इसी में बताया गया एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो कहते हैं नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27, जहां पे एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात की है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो कहते हैं अगर उसमें कुछ भी दिया है उसको छोड़ के सच कॉन्ट्रैक्ट्स मे प्रोवाइड दैट अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर। तो कहते जो पार्टनर है, जब उनका वो पार्टनर है फर्म में, तो उस टाइम पे वो क्या नहीं कर सकता, कोई भी बिजनेस और है वो नहीं चला सकता। वैसे तो हम रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते हैं सेक्शन 27 के अकॉर्डिंगली, किसी को ट्रेड करने से मना नहीं कर सकते, बट जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो पार्टनर्स हैं फर्म में वो क्या कर, अगर कोई सिमिलर बिजनेस भी करते हैं या फिर कोई भी और बिजनेस करते हैं तो उस पर उनको स्टॉप किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मे वर्ड दिया गया है।
तो कंपल्सरी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट करके ये चीज कर सकते हैं. शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस, यहाँ पे वर्ड है एनी बिजनेस, तो ये याद रखना है. तो एनी बिजनेस में उनका सिमिलर बिजनेस भी आता है और कोई और बिजनेस भी आता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 12. ये क्या बात कर रहा है, ये बता रहा है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो कैसे बिजनेस उनका चलेगा. तो फर्स्ट इसमें आता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हर जगह पे हर एक सेक्शन में ये वाली लाइन आएगी, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर वो वाली कंडीशंस चलेंगी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं फिर ये चलेंगी. तो फर्स्ट क्या है उनका कंडक्ट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. तो उनके पास राइट है हर पार्टनर के पास कि वो बिजनेस में पार्ट लेंगे, राइट टू टेक पार्ट. तो ये बन गया एक पार्टनर का राइट बन गया ये. बी में दिया गया है एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस. तो ये आ गई उसकी ड्यूटी कि उसने क्या करना है, बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली. तो डिलीजेंटली उसने अटेंड करना है जितना भी उसका काम है उसके लिए. फिर सी आता है एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स. अगर कहते कभी ऑर्डिनरी मैटर्स पे उनके आपस में कोई डिफरेंसेस आते हैं तो वो कैसे डिसाइड होंगे, वो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स हैं उनसे डिसाइड होंगे. तो मेजोरिटी होनी जरूरी है. बट जो दूसरे मैटर्स हैं, अगर कोई नेचर ऑफ द बिजनेस पे चेंज करना है, अगर नेचर ऑफ द बिजनेस में चेंज करना है तब क्या करना पड़ेगा उनको, तो ऑल द पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है. अगर ऑर्डिनरी मैटर्स हैं तो मेजोरिटी के साथ डिसाइड होंगे, अगर नेचर ऑफ द बिजनेस ही चेंज करना है तो उस केस में ऑल द पार्टनर्स हैं उनकी परमिशन होनी, कंसेंट होनी जरूरी है. तो नेचर ऑफ द बिजनेस में क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं कि अगर कोई पार्टनर है उसको नए पार्टनर को ऐड करना है तब वो चेंज में आ जाएगा, तो इसमें ऑल द पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए. या फिर कहते हैं जो बिजनेस एक पर्टिकुलर चीज के लिए शुरू किया गया था उसकी जगह पे हम कुछ और शुरू करना चाहते हैं तब भी ऑल द पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी है. नेक्स्ट आता है हमारा डी क्लॉज, ये बताता है एवरी पार्टनर हैज राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म. तो एवरी पार्टनर, चाहे वो एक्टिव पार्टनर है चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर है, एक्टिव जो एक्टिवली वर्क कर रहा है पार्टनर के लिए, जो फर्म के लिए, स्लीपिंग है जो सिर्फ जो एक्टिवली कोई काम नहीं कर रहे होते फर्म में तो वो स्लीपिंग पार्टनर्स हो जाते हैं. तो कहते हैं सब पार्टनर चाहे वो एक्टिव है चाहे स्लीपिंग है उनके पास राइट है कि वो असेस भी कर सकते हैं और इंस्पेक्ट एंड कॉपी भी कर सकते हैं बुक्स ऑफ द फर्म. एनी बुक्स ऑफ द फर्म यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, असेस इंस्पेक्ट कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म. ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 13. तो सेक्शन 13 अब क्या बात कर रहे हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करता है. म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है उनकी, यहां पे फिर से आ गया सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, पिछले सेक्शन में भी यही था यहां पे भी यही है. तो ए क्लॉज क्या बात कर रहा है, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस. वहां पे था कि उसको पार्ट लेना है बिजनेस में, यहां पे आ गया कि उसको पार्ट लेना है बट उसके लिए उसको कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगी. इट मींस कि उसको कोई सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा. वो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स उनका हो रहा है तो प्रॉफिट्स भी लेंगे लॉसेस भी लेंगे बट उनको कोई एक्स्ट्रा मनी है वो नहीं मिलेगी. ठीक है. सेकेंड है द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स अर्नड एंड शैल कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म. तो अगर कहते प्रॉफिट्स हो रहे हैं तब भी इक्वली शेयर करेंगे, अगर लॉसेस हो रहे हैं तब भी वो इक्वली ही शेयर करेंगे. फिर थर्ड आता है वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स. अगर कहते किसी पार्टनर ने कोई अगर एक्स्ट्रा मनी दी है तो एक्स्ट्रा मनी पे अगर उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इंटरेस्ट कहां से आएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली आएगा. ऐसे नहीं है कि लॉसेस हो रहे हैं चाहे कुछ भी हो रहा है तो उसको वो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, सिर्फ उसको प्रॉफिट से ही इंटरेस्ट देंगे हम. नेक्स्ट डी क्लॉज है अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही हैज एग्रीड टू सब्सक्राइब इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट देयरऑन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. तो कहते अगर उसने जैसे सारे पार्टनर्स की शेयरिंग है
थर्टी थर्टी थाउजेंड वाली। एक पार्टनर क्या करता है, 30,000 तो वो दे रहा है बट उसके ऊपर वो 20,000 और दे रहा है फर्म को, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसको हम एज लोन मान के चलेंगे एंड उसका जो वो कैपिटल होगा उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा एंड वो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये एक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर पार्टनर्स खुद का कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा ये। नेक्स्ट है ई क्लॉज, इसमें बताया है द फर्म शैल इंडेमनिफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। तो कहते फर्म क्या करेगी, फर्म इंडेमनिफाई करेगी अगर किसी पार्टनर ने कुछ गलत किया है। कैसे गलत किया है उसने, इन द ऑर्डनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि वो ऑर्डनरी वे में काम कर रहा था बट फिर भी कुछ नुकसान हो गया, तब फर्म लाइबल होगी। सेकेंड, इन डूइंग सच एक्ट इन एन एमरजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ऑन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस। तो सेकेंड, अगर जो पार्टनर है उसने एक्ट किया था इन एमरजेंसी एज ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन उसने एक्ट किया था, तब भी जो फर्म है उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। लास्ट है इसमें एफ क्लॉज, दैट इज अ पार्टनर शैल इंडेमनिफाई विद अ फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। तो कहते हैं इंडेमनिफाई किस चीज के लिए करना है, अगर उसने विलफुल निग्लेक्ट किया है। जो सेक्शन 10 था उसमें हमने क्या किया था, वहां पे जो इंडेमनिफाई करना था उसने फ्रॉड के लिए करना था, यहाँ पे जो है 13 क्लॉज एफ है उसमें दिया हुआ है विलफुल निग्लेक्ट, तो विलफुल निग्लेक्ट के लिए सेक्शन 13 एफ है। इसमें एक केस है, ये है क्रैग वर्सेस फॉर्ड। इस केस में क्या होता है, जो एक फॉर्म होती है उसको उसकी वाइंडिंग अप करनी होती है, एक जो पार्टनर होता है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप वाइंडिंग अप करो और जो स्टॉक पड़ा है बिजनेस का, दैट इज कोई कॉटन होती है, तो उसको आपने सेल करना है। जो पर्सन होता है, जो पार्टनर होता है, उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा डिले कर देता है वो इसको सेल करने में, उतने में क्या होता है प्राइजेस होती हैं डिक्लाइन हो जाती हैं। तो इस केस में कहते हैं कि पार्टनर का यहाँ पे विलफुल निग्लेक्ट है या नहीं, तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे पार्टनर का विलफुल निग्लेक्ट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 14, ये डील करता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो कहते हैं जो फर्म होगी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या किसको हम प्रॉपर्टी मानेंगे। सेम सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल इंक्लूड ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इन टू द स्टॉक। तो कहते हैं इसमें सारी प्रॉपर्टी इंक्लूडेड होगी, ऑल द प्रॉपर्टी, तो मूवेबल इमूवेबल सारी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म माना जाएगा। एंड प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, ओरिजिनली ब्रॉट इन टू द स्टॉक, जब फर्म स्टार्ट की है उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी आई है दैट इज ओरिजिनली ब्रॉट टू द फर्म। सेकेंड कहते और एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज, या फिर कहते हैं उन्होंने एक्वायर की है बाद में या फिर बाद में परचेज की है। और फॉर द पर्पस एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तब उसको भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म मानेंगे। एंड फोर्थ इसमें कहते हैं गुडविल है जो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्री का क्वेश्चन बनता है दैट इज गुडविल पे क्वेश्चन आ जाता है कि गुडविल जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है या नहीं है, तो यस इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो चार चीजें होगी जो ओरिजिनली है, सेकेंड इसमें आ गया अगर एक्वायर या परचेज की गई है, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ आ रहा है, या फिर गुडविल है, तो ये चारों क्या है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म मानी जाएंगी। आगे इसमें दिया है अनलेस द कंट्रारी इंटेंशन अपीयर्स, प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद द मनी बिलोंगिंग टू द फर्म आर डीम्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द फर्म। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर ऑफ द फर्म है वो जो फर्म की मनी है उससे कुछ भी परचेज करता है, तो जो भी परचेज उसने किया है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ही माना जाएगा अगर उसकी कोई और इंटेंशन नहीं है, अनलेस द कंट्रारी इंटेंशन अपीयर्स। ठीक, आगे है सेक्शन 15, ये है एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो कहते हैं जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है उसको हम कैसे यूज करेंगे वो बताता है सेक्शन 15। 14 में बता दिया कि प्रॉपर्टी कौन सी होगी, 15 में उसका यूज बताया गया है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो उसको रखना भी कैसे है, बिजनेस के लिए रखना है हमने। एंड
यूज भी उसको करना है एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. हेल्ड एंड यूज्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ये भी इंपॉर्टेंट है. पेपर में ये इस वर्ड पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सक्लूसिवली है या फिर कोई और प्रॉपर्टी है या किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं. नहीं तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ही उसको हमने यूज करना है. नेक्स्ट है सेक्शन 16, ये बात कर रहा है पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द पार्टनर्स. अगर कहते हैं जो फर्म है उससे किसी पार्टनर ने कोई पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न कर लिए तो उस केस में उस कंडीशन में क्या होगा. सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ए एंड बी क्लॉज दी है. ए में क्या बताया है, इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, फर्म के लिए उसने कोई ट्रांजेक्शन की थी उससे उसने अपने लिए कोई प्रॉफिट कर लिया. सेकेंड फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी यूज की है उसने, और बिजनेस कनेक्शन जो फर्म वाले हैं उसको यूज किया है या फर्म का नेम उसने यूज किया है तो उस केस में क्या होगा. तो ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म, तो उसको इसका अकाउंट देना पड़ेगा और उसकी जो सारी पेमेंट है वो फर्म के पास ही चली जाएगी. इसके रिलेटेड एक केस है गॉर्डन वर्सेस हॉलैंड. इस केस में क्या होता है, एक पार्टनर होता है, वो जो पार्टनर जो फर्म होती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको किसी थर्ड पर्सन को वो सेल करता है, फर्म के लिए किया. फिर वो क्या करता है, उस थर्ड पर्सन से वो प्रॉपर्टी खुद खरीद लेता है. जब उसने खुद खरीद ली है तो उसको प्रॉफिट्स हुए हैं, तो उस केस में इसको क्या माना गया कि उसने जो फर्म की प्रॉपर्टी है खुद को ही दे दी, तो यहाँ पे अगर उसको कोई भी प्रॉफिट्स हुए हैं तो वो वापस करेगा टू द फर्म. बी क्लॉज है इसकी, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड व्हेन इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस. यहाँ पे पर्टिकुलर सेम नेचर के बिजनेस की बात की है. जो पहले वाला सेक्शन किया था वहां पे था एनी बिजनेस, यहाँ पे है सिर्फ सेम नेचर वाले बिजनेस की बात की गई है. अगर कहते हैं पार्टनर ने कोई सेम एंड कंपीटिंग वाला बिजनेस कर लिया तब भी वो अगर उसको कोई प्रॉफिट्स होते हैं वो फर्म को ही देगा. नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 17. सेक्शन 17 बात कर रहा है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स की. सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सेम लाइंस चल रही हैं सब में, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. ये सेक्शन है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्शन 17 इज बेस्ड ऑन फेसेट रीलोकेशन, या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि फेसेट रीलोकेशन जो है डॉक्ट्रिन वो कौन से सेक्शन से डील करती है पार्टनरशिप के. तो सेक्शन 17 है जो इस पे बेस्ड है. इसमें थ्री थिंग्स दी हुई है कि अगर जो पार्टनरशिप फॉर्म है अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होती है ना तो उसके बाद कहते हैं कि पार्टनर्स की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगी. फर्स्ट है आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, अगर जो फर्म है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज किया गया है तो उसके बाद जो पार्टनर्स की राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो क्या रहेंगी, वो भी जो पहले वाली थी ना वही सेम रहेंगी. यहाँ पे उनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज सेम बन जाएंगी. सेकेंड कहते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द फर्म, कुछ फिक्स टर्म के लिए बनाया गया था बिजनेस को बट वो कंटिन्यू कर देते हैं बिजनेस को, तो उस केस में भी क्या होगा, जो पार्टनरशिप है वो कंटिन्यूड रहेगी, जो सेम उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज पहले थे वही सेम रहेंगे. थर्ड है वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, अगर कहते हैं किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग एडवेंचर के लिए बिजनेस था बट वो एडिशनल आगे और एड करते रहते हैं उसमें बिजनेस में, तो उस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट वाली एडवेंचर अंडरटेकिंग थी जो उसमें उनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज थी सेम यहां पे भी उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज चलेंगी. ठीक, तो अभी इसके साथ हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स वाला टॉपिक खत्म. इसके बाद आएगा हमारा चैप्टर 4 जो डील करता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज. आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें. थैंक यू.